देखिए नागरिकता कानून कांग्रेस के पापों के परिमार्जन के देश से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की परंपरा के अनुसार ये नागरिकता देने का कानून है जो भारत की विश्व मानवता के प्रति पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को भारत की शरण देने की नीति का हिस्सा रहा है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दलों के द्वारा जो गलत फहमी और अफवाह पूरे देश के अंदर फैला करके लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का कुत्सित चेष्टा किया गया, इसके लिए आवश्यक समझा गया कि नागरिकता कानून पर एक जन जागरण अभियान प्रारंभ किया जाए और समाज के प्रबुद्ध जनों को इसकी वास्तविकता के बारे में अवगत कराया जाए। आज मैंने भी यहाँ पर कई परिवारों के साथ ये संवाद स्थापित किया है और उस संवाद का ही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर एक गोष्ठी भी कर रहे हैं जो नागरिकता कानून के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के दिश से, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करने के दिश से आम जन में एक जागरूकता का अभियान, जिसके बारे में पहले से स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि यह नागरिकता कानून है नागरिकता देने का, लेकिन पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति कांग्रेस की संवेदनहीनता, समाजवादी पार्टी की संवेदनहीनता का ही ये दुष्परिणाम है कि उन लोगों के द्वारा नागरिकता देने के कानून को भी अफवाह फैला करके नागरिकता लेने के साथ जोड़ने की कुत्सित चेष्टा की गई और उसके नाम पर हिंसा को भड़काने का इन लोगों ने कार्य किया देश के कई क्षेत्रों में। इसलिए जन जागरूकता इसके लिए आवश्यक था और इसीलिए आज इसके लिए आज एक गोष्ठी भी यहाँ पर रखी गई है। आने वाले समय में जन जागरण का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आगे भी बढ़ेगा। महाराज जी गोरखपुर में मेट्रो लेट हो रही है, मेट्रो की परियोजना लेट देखिए कोई भी लेट नहीं है, सब समयबद्ध ढंग से आगे चल रहा है।